थैंक यू सो मच आप लोगों ने बर्थडे की इतनी सारी विशेज दी। बट ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो हमारा नया गाना सोनू कक्कड़ जी के साथ आया है वो लाइव हो चुका है साया स्टूडियो के ऊपर, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जो लड़कियाँ अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और लड़के के चक्कर में चली जाती है तो उनके साथ कितना गलत हो सकता है। सो प्लीज़ जल्दी से जाना गाने को चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं छोड़ दूँगी, जहाँ फिर आप साया स्टूडियो पर जहाँ फिर मैं इश्क कर लिया करके सर्च कर सकते हैं। सो अभी ब्लॉग को एंजॉय करो। तो अभी वेक आइस कर दी हमने बंद और गाइस मजा आने वाला है। राजा शक्ति नानू आगे, अरे राजा गुड्डा भी आई है, मामा आगे अभी मैं रेडी हो रही थी तो मुझे पता चला कि मामा जी आ गए हैं, तो एक एक करके विवेक से शक तो हो जाएगा कि सारे गेस्ट आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे जाना है लोकेशन पे जहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, एक बार जाके उनको गाइड करके आना, उससे पहले मुझे सैलून जाना है, तो एक बार मैं मामा जी से मिलके रेडी होकर फटाफट निकलूंगी। भाई कौन बोल रहा था, हमारे आगे भाई आ जाओ चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून और विवेक भी जा रहे हैं हमारे साथ सैलून। तो अभी हम लोग लोकेशन के लिए निकल गए हैं, रास्ते में कोमल और आर्यन कुछ नहीं खाया था, सबको बहुत भूख लगी थी, तो मैंने लिए हैं ये पापड़ और इन लोगों ने लिया कोल्ड कॉफी, मतलब हम सबने लिए कोल्ड कॉफी। तो अभी हम ना अरमन भाई आ चुके हैं, हम भी फटाफट लोकेशन में भाग के चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जस्ट और जस्ट 3 आर है हमें, 3 आर के बाद हमें रेडी होना भी स्टार्ट होना, 3 आर नहीं इवन 2 आर के बाद रेडी होना स्टार्ट होना है ना बब्बे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक सेटअप यहाँ पे लगाएंगे जिससे विवेक को पता ही नहीं चले कि उधर भी कुछ है, तो उनको लगेगा बस यही है जो भी है, खत्म और 5-10 मिनट यही करेंगे। तो ये हमारी लोकेशन है, तो अभी हमने सब डन कर दिया कहाँ पे क्या होना है, विवेक के लिए क्या क्या सरप्राइज है हमारे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा जो बैलून शार होगा वो हम कहाँ रखें, वैसे वो लोग बोले उस साइड रखना स्टार्टिंग में, बट मुझे ये जगह मिली है कि यहाँ पे हम वो लोग खड़े होंगे और पूल में नीचे हो सकता है बैलून शार, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है पूल में हम आएंगे सबसे लास्ट, जब तक विवेक बैलून अगर देख लिया तो उनको शक हो जाएगा। एक सेटअप मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ, मतलब वो आप सब रात को देख लेना। ओ मेरे भाई और केक लेके आ गए, थैंक यू सो मच डार्लिंग। भाई और बेकरी ढूंढ रहे थे बहुत देर से, खुल जा सिम भाई। यो चलो भाई चॉकलेट केक के साथ केक कट करते हैं भाई। हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपने बिरे दा बर्थडे आज, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। खुशी कहीं अरेंजमेंट के चक्कर में लगी हुई है और मैं सैलून से जस्ट अभी घर आया हूँ, और सच बताऊँ तो आपको, और बारिश पड़ रही है, अगर उसने आउटडोर इवेंट रखा होगा ना भाई, कसम से बेचारी के हाथ पैर फूट रहे होंगे फिलहाल, है ना यार। मुझे जस्ट अभी अपडेट मिलेगी पंजाब से भी फैमिली आ चुकी है, सब लोग आ चुके हैं और बस बर्थडे में पानी नहीं फिर जाए मेरे, और तो सब लोग आ ही चुके हैं, अभी चल के सबको नमस्ते करते हैं और सबका वेलकम करते हैं, मतलब वही लोग मेरा वेलकम करेंगे, तो अभी चलते हैं ऊपर सबको और नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, आहो बहन जी, मम्मी नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ओहो नमस्ते माता, कैसी हो? ठीक मम्मी जी नमस्ते, खाओ खाना खाओ खाओ, थैंक यू सो मच। ये गुरुमन यहाँ पे आराम कर रहा है, ये गुरुमन आसाले तेरी पार्टी है। लोकेशन से हम लोग निकल चुके हैं, हमारा सब डन हो गया, घर से फोन पे फोन आ रहे हैं क्योंकि विवेक को तो पता नहीं हम लोग कहाँ पे आए, तो वो बोले आ जाओ बारिश हो रही है, अब बारिश का हम ना खराब कर दे, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ऊपर से मम्मी और ये आ चुके हैं, मैं मम्मी और को अभी तक मिली नहीं हूँ, तो अभी हम लोगों को एक काम करना है कि हम लोगों को आकाश को उठाना है, आकाश जो हेयर स्टाइलिस्ट, तो आकाश मेरे को वैसे सारे जानते हैं, तो विकी भाई आज नहीं आ पाएंगे तो मेकअप मुझे खुद करना पड़ेगा, वैसे मेरा यही था कि मेकअप अगर विकी भाई नहीं करेंगे तो मैं खुद ही करूँगी, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मुझे किसी और का मेकअप ना जल्दी कितने समझ में नहीं आता है, जिनका समझ में आता है वो ऐसा पास में है नहीं है। मम्मी जी को मिलने वाले इतने दिन बाद कैसे लग रहा है, और गुरुमन को मैं मिलूंगी काफी टाइम बाद, तू तोड़ेगा लिफ्ट कितने जोर और कूद रहा है। जान के सोन जी एक्टिंग करते हुए, जान के बधाई है, बहुत बहुत
जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे सब मुझे धोखा दे देते हैं हमेशा, सिर्फ एक मेरा भाई है जो मुझे धोखा नहीं देता कभी भी। ही इज माय लव ब्रो, क्या कह रहा है, प्यार है जो खींच लाता है हमेशा। वेलकम होम ब्रो, वेलकम होम। ऐसा ऐसा पहली बार देखा होगा आपने कि अपने घर इंसान इतने इतने टाइम बाद आ रहा, पहली बार आए भाई अपने घर। इतने पैसे कहाँ से लाते हो तुम, फ्लैट ले तो देखने भी नहीं आते। बर्थडे बर्थडे का तो पता नहीं किसका है, लेकिन मजे जो है लूट रहा है, याद भी लूट रहे हैं मजे भाई। ये पता कैसी है, यह एकमात्र लड़की हमारे पूरे परिवार में ऐसी है जहाँ मौका मिला तुरंत लपेट दिया काम को जा गए। लेकिन भाई चलो नई शादी से कुछ कह नहीं सकते हम लोग भी, गुरमन भी आ चुका है, उठ गया। मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, कोई मेरे साथ बात कर लो दोस्तों। क्या कर थोड़ी देर रो रहे थे यार, अरे तू ही बता दे कुछ यार। भैया देखो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने का, पर बहुत तगड़ा हुआ है। भाभी दीदी को एंट्री किसने कराई यार? मैंने होगी थी बात। सो अभी घर से सब जा चुके हैं, मेरी खाली लिपस्टिक बाकी है, बाकी मेरा सब हो गया। विवेक आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं हम सब? यार मैं बिलीव में ना, देखो हर चीज की बंदे को आइडिया लग जाता है पहले ही। मुझे हर चीज का आइडिया था कि आप मेरे बर्थडे पे कुछ करो, लेकिन लोकेशन है जो बस मुझे नहीं पता, मतलब लोकेशन पे क्या होने वाला है क्या सब है, बस इसके बारे में मुझे नहीं कुछ भी खबर थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं लोकेशन के लिए, और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला पार्ट। रीजन ये है कि ना कि एक चीज है जो मुझसे छुपा पाए हैं अच्छे से, विच इज लोकेशन, और कौन कौन गेस्ट आ रहा है वो भी, मतलब कुछ है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है वो तो सब हमारे पास आए गए, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे हैं शायद मुझे लग रहा है जो सीधा लोकेशन पे आएंगे। सबसे आप लोगों को मिलाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि कौन कौन गेस्ट आने वाले, कौन कौन गेस्ट आ रहा है, मुझे सबकी लिस्ट बता दो। छोटा सा बर्थडे है। दीदी और भी हमारे पास पहुंच गए थे। हेलो बोलो दीदी। हेलो बोलो। मेरे साथ दोस्त लूट गए ना भाई अब। चल ठीक है, वरना तो पता क्या करना था, चुपचाप लोकेशन डीएम करनी थी मुझे और चुपचाप प्रोग्राम बता देता। इतनी कॉल मैंने अब तक के जब से हम भैया मिले करी नहीं होगी, जितनी मैं रोड डेली कर रही हूँ भैया को। यार लोकेशन लेकर खत्म कर देख रहे हैं। पहुँच गया गाइस, यहाँ पे फूट पड़ चुकी है टीम में ही, मुझे लग रहा है टीम में कुछ मेंबर सही काम नहीं कर रहे और इधर अर्बन पे दबाव आता हुआ। लेकिन हाँ ये है कि इतने टेक्निकल बंदे हैं कि पी पी करके बात कर रहे हैं, वो पी हुआ, वो सी हुआ, वो डी हुआ। भाई इन्होंने मुझे यहाँ पे पहले ही रोक लिया, लग रहा है मेरा अपहरण हो चुका है गाइस। तो अभी ये लोग पता नहीं क्या करने वाले। आई बंद करोगे आप मेरे? यार नोनू मेरी तरह रखो अरेंजमेंट, मैंने कितना अच्छा अरेंजमेंट करा था आपके बर्थडे पे। आई वाला यार तो ठीक है ना, मैं भी तो कर ही रही हूं आज को। वो करन था मैंने आई वाला आपके उस पे। नाइस, ऐसे कुछ करूंगी आपके। भैया ले आओ, लंबी लंबी काटो, लंबी लंबी थोड़ी पतली, लंबी लंबी चौड़ी ज्यादा नहीं चाहिए, पर लंबी लंबी चाहिए। कपड़ा भी तो दूसरा है, दिखेगा। ठीक है ठीक है, तो फिर ज्यादा चौड़ी काट दे। अब इसको डबल करना पड़ेगा दो दिन। लो भाई मेरे ना बाल मत खराब कर दो गाइस। सही है ना? हाँ, उल्टी लगने को जा मुझे, नहीं, 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 बाहर सही दिख रही है। तो विवेक की आइस कर दी हमने बंद, और गाइस मजा आने वाला है, मजा आएगा। बाबू आपको थोड़ा कुछ मेरी कसम है, दिखे तब भी देखना मत, ठीक है? Oh,
बोलो हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी टू यू ब्रो हैप्पी बर्थडे टू यू पाजी आप ही को बोलना पड़ेगा आप मेरी वीडियो बना रहे हो हैप्पी बर्थडे बोलो मुझे हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच ब्रो हैप्पी बर्थडे विश करो मुझे अभी मेरी 4 मिनट है अभी जल्दी जल्दी पल्लू तेज करना पड़ेगा जन्मदिन विश करो अभी 4 मिनट रह रही जल्दी कर दो मुझे विश हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे बोल दो मुझे जल्दी हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मैन विश कर दो यार मुझे 4 मिनट रह गई थैंक यू सो मच ब्रो हैप्पी बर्थडे थैंक गॉड गाइस 4 मिनट रह गई 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर विवेक हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू देखो ना बाबू देखो